में मैंने और राकेश जी ने आज दोबारा एक बार चुना है सुंदरम फास्टनर को, जिसको पहले भी नीचे के स्तरों पर भी मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी। सबसे बड़ी वजह स्टॉक को चुनने की है कि यह स्टॉक एक सीरियल आउट परफॉर्मर है और बाकी पूरे बाजार से अगर आप इसकी तुलना करते हैं या इसके पीयर ग्रुप से करते हैं तो एक कंटिन्यूस आउट परफॉर्मेंस चार्ट पर देखने को मिल रही है। हाल में हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है और ये कंसोलिडेशन जैसे ही पूरा होगा इस स्टॉक में दोबारा से नए हाइस बनेंगे, नए कीर्तिमान बनाएगा स्टॉक। तो मौजूदा स्तरों पर और गिरावट में सुंदरम फास्टनर में खरीदारी करें। ओवर टू राकेश जी। देखिए अनिल जी, हम इसको मोमेंटम के नजरिए से रिकमेंड कर रहे हैं। स्टॉक इज गेयरिंग अप फॉर अ बिग अप मूव, 20-25% का अप मूव यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एज गुड एज वन मंथ पे देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे 2 से 3 महीने का नजरिया बना के 1200-1250 के लक्ष्य के लिए सुंदरम फास्टनर में निवेश की राय है। 1200-1250 सुंदरम फास्टनर्स खरीदारी करने की राय कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से।